राजस्थान के पाली के सुमेरपुर तहसील के खिवादी गांव में राजपूत समाज के लोगों के द्वारा सरगरा समाज के लोगों पर जानलेवा हमला। आरोपियों को पकड़ने व सार्वजनिक रूप में धमकाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की मांग को लेकर प्रकरण में पीड़ित पक्ष की ओर से वह समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा पाली कलेक्टर अंशदीप को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित जगदीश कुमार ने बताया कि मार्च महीने में होली के त्योहार पर राजपूत समाज के जो गांव के ही लोग हैं, हमारे घर में घुसकर लगभग 20 जनों ने महिलाएं और बुजुर्गों के साथ जानलेवा हमला करते हुए हमें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो आज भी सही रूप से ठीक नहीं हो पाए हैं। उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्यवाही करने के लिए पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस द्वारा मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार ना करके दूसरों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। हमारी मांग है कि मुख्य आरोपी जो भी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वहीं समाज के ही राकेश पवार ने बताया कि हमारे सरगरा समाज मारपीट के कई मामले सामने आए हैं। इससे पूर्व में भी जावरा हत्याकांड का मामला अभी भी अधूरा ही पड़ा हुआ है। उनके आरोपियों को आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया। साथ ही इस दीवानगी मामले में करीब 3 से 4 महीने होने को है, लेकिन मुख्य आरोपी आज भी सलाखों से बाहर ही नजर आ रहे हैं। पुलिस की यह आलम है कि आरोपियों को तो कोरोना के चलते जेल से निकाल दिया और पीड़ित पक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया, जो कि गलत है। हमारी मांग है शीघ्र से शीघ्र आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। तो भी सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं की, उसको अभी तक मुलजिम नहीं पकड़े गए। हमने शासन को कोऑपरेट किया और अब इस मार्च में खिवांदी में हमारे समाज के 20 जनों को घर में घुस के मारा गया। इस बाबत हम एसएसपी साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले, और अभी तक वो सारे आरोपी नहीं पकड़े गए। उल्टा लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन में शासन सामान्य मुलजिमों को कोर्ट, सामान्य मुलजिमों को जेल से बाहर निकाल रही है, उस समय लॉकडाउन में हमारे समाज के पीड़ित परिवार को पुलिस नजर डाला है। ये सब हम गिरफ्तार से मिलने आए हैं। अब कह रहे हैं कि अभी वो अभी जो 19 आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, तो हम सेम जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। पूरा मामला क्या है? 10/3/2020 की बात है सर, होली का माहौल था। हम सर सरगा जाति से हैं सर, हम सब हमारे घर में बैठे हुए थे सर, और होली का माहौल शाम का टाइम था। उस टाइम सर रात शाम के सर करीब 6 बजे सर राजपूत समाज के काफ़ी कम से कम 25 से 30 जने लोग आए, और सर हमारे घर में घुस के हमारे घर वालों के साथ बहुत बुरी तरह से सर मारपीट, यहाँ तक कि सर बच्चे बुजुर्ग हमने कई लोगों के साथ लगी है, कम से कम 25-11 से 30 घायल हुए और 2-3-4 जनों का फ्रैक्चर भी है सर। वहाँ अमरदास माधव उनका ऑपरेशन हुआ सर। और तो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था? हाँ सर, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद उनकी कोई कार्रवाई नहीं, अन्यथा हमें अंदर डालकर सर हमारे अंदर करके हमने 5 जनों अंदर गिरफ्तार किया, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, मगर अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक अपराधी के खिलाफ में सर कोई डर नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं कि हमें न्याय मिले सर, इसलिए हम सर पाली स्थित हुए हैं यहाँ पर।